काशीरामी है, जिलाध्यक्ष अपने जसविंदर गौतम जी हैं, हमारे सब इंचार्ज। मैं पिछले 4-5 साल से उस विधानसभा में हरिद्वार ग्रामीण में सक्रिय हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, लेकिन जब से मुझे आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, कैंडिडेट बनाया, उसी दिन से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं यतीश वर्णन, उसी दिन से मेरे खिलाफ वो बोलते आए हैं। आज अब ये स्थिति है कि जब वहाँ पब्लिक ने मन बना चुकी कि भाई हमें इस बार भाजपा कांग्रेस को नहीं झाड़ू कोट देना है, तो चुनाव जीतने के लिए वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ मेरे बैनर फड़वाना, पोस्टर फड़वाना, झंडे जलवाना, इस तरीके के मुझे परेशान किया जा रहा है। और वहाँ पब्लिक जो है पूरा मेरे साथ खड़ी हुई है वहाँ से, तो अभी उन्होंने 7-8 लोग इसी काम पर उनके लगे हुए हैं कि भाई मुझे फ़ोन करना, वहाँ उनके लोग लगे हुए हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से नरेश शर्मा जिंदाबाद, नरेश शर्मा जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, नरेश शर्मा जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो नरेश शर्मा जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो नरेश शर्मा जैसा हो। किसी न किसी तरीके से वो चुनाव जीते, क्योंकि आज उसकी काली कमाई की कोई ठिकाना नहीं है यतीश वर्णन के पास में। उन्होंने खनन में बहुत मोटा, पहले भी उन पर आरोप लग चुके हैं खनन में, मैंने पिछली बार भी आवाज़ उठाई थी खनन में, शिवानंद जी महाराज ने भी उनके खिलाफ लगातार, वो कहते हैं कि सबसे भ्रष्टाचारी यदि कोई है तो यतीश वर्णन है, और जितनी विवादित संपत्ति हैं सब में यतीश वर्णन का हाथ है, तो इसीलिए जब वो चुनाव हारते वहाँ दिख रहे हैं तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ रचा है। तो उसके कुछ लोग वहाँ क्षेत्र में फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई नरेश शर्मा ने सेटिंग हो गई, समझौता कर लिया, तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा वो रच रहे हैं। तो इसलिए जनता सब जानती है 2017 में भी उन्होंने यही काम किया था, इस बार इनका ये फंडा चलने वाला नहीं है। इसको लेकर कोई शिकायत कर रहे हैं इस बार? हमने मैंने आर ओ को व्हाट्सएप पे भी भेजा, आर ओ को व्यक्तिगत फ़ोन भी किया, चौकी इंचार्ज लाल ढांग को भी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी मेरे जो लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, उनका पीछा किया जाता है मोटरसाइकिल से, बाइक से उनका पीछा किया जाता है मेरी गाड़ी का, और आप यकीन मानना मुझे चुनाव, मतलब मैं किस स्थिति में परिस्थिति में वहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ मुझे पता है। तो इसीलिए जनता मेरे साथ है, जनता आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी, इसका मतलब पूरी दबंगई की जा रही है, पूरी गुंडागर्दी जिसको कहते हैं, दबंगई नहीं गुंडागर्दी पूरी की जा रही है वहाँ। तो इसीलिए मैंने पूरी गुंडागर्दी वहाँ की जा रही है, तो इसीलिए कोई भगवान मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, ग्रामीण की जनता मेरे साथ है, मुझे आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा।